नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे फ्लिकर सर्किट के बारे में, या फिर हम कहें ब्लिंकर सर्किट के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन और ऑफ हो सकता है। दैट इज, लेट सपोज कि हम एक आउटपुट को 1 सेकंड के लिए ऑन रखना चाहते हैं और 1 सेकंड ऑफ रखना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहे, तो उन सर्किट्स को हम फ्लिकर सर्किट्स कहते हैं या ब्लिंकर सर्किट्स कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्लिकर सर्किट के लिए। फर्स्ट एक इनपुट हम डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट एक टाइम TIM 0 हैश, लेट सपोज 1 सेकंड के लिए हमें फ्लिकरिंग कराना है, अगर हम चाहते हैं कि हम इनपुट को ऑफ भी कर दे तो लेट सपोज फर्स्ट हम इस इनपुट को होल्ड कर लेते हैं विद मेमोरी पिच, लेट सपोज W0.0 एंड इस मेमोरी पिच को हम होल्ड करा लेते हैं फर्स्ट W0.0 और एक एनसी बिट स्टॉप करने के लिए प्रोसेस करते हैं एंड इस मेमोरी बिट की हेल्प से हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं। TIM एक्सपोज टाइमर 2 विद टाइमिंग ऑफ 1 सेकंड एंड जब तक इन मेमोरी बिट हाई होगा और जब फर्स्ट टाइमर ऑपरेट होगा उस दौरान एक बिट हम हाई करा लेते हैं, लेट्स सपोज 100.0 जो कि हमारी फ्लिकर बिट रहेगी। देन हम इसी के पैरेलल में एक और टाइमर को हम कंसीडर कर लेते हैं। ये टाइमर तब एक्टिव हो जब हमारा फर्स्ट टाइमर टाइमिंग कंप्लीशन करते, तो उसके लिए हम एनो बिट लेते हैं T2 की और इसके बिहाफ पे फिर हम अपना सेकंड टाइमर ऑपरेट करते हैं TIM स्पेस 3 स्पेस हैश 10 सेकंड्स। अब मुझे जैसे ही ये टाइमर एक्टिव होगा तो आउटपुट एक्टिव हो जाएगा और टाइमिंग कंप्लीशन के बाद ये टाइमर एक्टिव हो गया, तो 1 सेकंड ऑपरेशन में रहा, देन 1 सेकंड के लिए डीएक्टिव हो गया। लेकिन मुझे प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में चाहिए, कंटिन्यूशन प्रोसेस में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमने टाइमर क्रिएट किया फर्स्ट टाइमर TIM2 नाम से, उसकी पावर सप्लाई को हम इंटरप्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ सेकंड टाइम T3। तो चेक करते हैं सर्किट को, जैसे ही हम यहां से इनपुट को एक्टिव करते हैं और अगर हम इनपुट ऑफ भी कर दें तो भी ये सर्किट जो है फ्लिकर करता रहेगा। जस्ट देखिए 1 सेकंड के लिए ही सिर्फ ये ऑपरेट होगा और 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाए और वो कंटिन्यूअसली रन करती रहे, तो उस सर्किट के लिए हम इस तरीके का लॉजिक हम बना सकते हैं जहां पे भी हमारा साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। अगर हम इस एनसी बिट को निकाल देंगे तो ये एक तरीके का सीक्वेंस प्रोसेस हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑपरेशन होगा तभी सेकंड ऑपरेशन है, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने जो लास्ट टाइमर था उसका एक एनसी बिट हमने यहाँ इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये साइक्लिक प्रोसेस।
इस चीज को आप फ्लिकर सर्किट बोल सकते हैं, फ्लिकर बिट बोल सकते हैं इस आउटपुट को, या फिर ब्लिंकर सर्किट भी बोल सकते हैं। जहां पे भी हम प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस करना चाहते हैं, किसी भी ऑपरेशन को हमें साइकिल के फॉर्मेट पे चलाना है कंटिन्यूस प्रोसेस में, तो हम इस तरीके का लॉजिक भी बना सकते हैं। थैंक यू।